गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम ड्राइंग में कलर करने जा रहे हैं एलिफेंट को। किसको कलर करेंगे? हम कलर करेंगे एलिफेंट को, बट एलिफेंट को हम स्केच कलर से कलर ना करके क्रेयॉन्स का यूज़ करेंगे। क्रेयॉन्स आपको पता है कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारे क्रेयॉन कलर्स। तो इस टाइप के कलर्स का हम यूज़ करेंगे अपने एलिफेंट को कलर करने के लिए। तो हमें जो जो कलर यूज़ करने हैं इस पिक्चर में, उसको एक बार हम देख लेते हैं। हमको एलिफेंट में ब्राउन कलर करना है, माउस में हम येलो की। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम ड्राइंग में कलर करेंगे एलिफेंट को। किसको कलर करेंगे? एक एलिफेंट को। तो एलिफेंट को हम स्केच कलर से कलर ना करके हम यूज़ करेंगे क्रेयॉन्स का। आपको पता है क्रेयॉन्स कैसे होते हैं? ये होते हैं हमारे क्रेयॉन कलर्स, यानी कि प्लास्टिक कलर्स, या फिर हम वैक्स कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कलर करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन से कलर्स का यूज़ करना है इस पिक्चर को कलर करने के लिए। तो एलिफेंट को हम यूज़ करेंगे, ब्राउन कलर को यूज़ करेंगे कलर करने के लिए। ये जो माउस है, इसको हम ब्राउन की जगह ऑरेंज कलर से कलर करेंगे। ट्री हमारा रहेगा ग्रीन कलर का, साथ में ये पीछे ग्रीनरी जो दिखाई दे रही है आपको, ये पेड़ पौधे, यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे। हाउस के लिए हम यूज़ करेंगे पिंक और ब्राउन कलर। नीचे जो ये रोड, या हम ये बोल सकते हैं मैदान, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम फिल करेंगे येलो कलर। और जो हमारा रेस्ट ऑफ द पार्ट है, मतलब कि जो स्काई वाला एरिया है, उसमें हम कर देंगे ब्लू कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ग्रीन कलर। कौन सा कलर लिया है? ग्रीन कलर लिया है। तो इससे मैं इस पेड़ को, और ये जो नीचे छोटे छोटे पेड़ पौधे बने हुए हैं, इसको कलर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हल्के हाथ से हमको कलर करना है, क्योंकि ये कलर ऑलरेडी ही बहुत हल्के चलते हैं। अगर इनको आप ज़्यादा प्रेस करोगे तो आपका कलर टूटने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए कितना ईजिली कलर हो रहा है और कितना सुंदर लगने लगा है हमारा ये पेड़। ये बहुत ही जल्दी कलर हो जाते हैं, क्योंकि ये कलर्स बहुत ईजिली स्प्रेड होते हैं। देखिए हमारा ट्री हो गया कंप्लीट। आप अपनी बुक में ऊपर जो इमेज देख रहे हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट उन्होंने छोड़ा हुआ है, लेकिन हम कोई भी पोर्शन छोड़ेंगे नहीं, हम कंप्लीट पिक्चर को फिल करेंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं नीचे वाले पोर्शंस को। यहाँ पर भी हम ग्रीन कलर फिल कर देते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम जो जितनी भी हमारी ग्रीनरी है पेज पर, उस सब को हम फिल कर देते हैं। तो चलिए मैं भी फिल कर रही हूँ और आप लोग भी फिल करिए। ये देखिए हमारा ग्रीन कलर प्लांट्स में कंप्लीट हो चुका है। अब हम लेंगे अपना ब्राउन कलर, जो हमें करना है ट्रीज के ट्रंक्स में और हाउस की रूफ में और एलिफेंट में। तो चलिए फिल करते हैं। पहले हम ट्रीज के ट्रंक को फिल करते हैं। हल्के हाथ से करेंगे ट्रीज के ट्रंक में हल्का कलर, और हाउस की रूफ में थोड़ा डार्क शेड दे देंगे। अगर इसको थोड़ा टाइटली प्रेस करेंगे तो इसका शेड डार्क हो जाएगा। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी ट्री ट्रंक्स हैं, इसको भी हम कलर करेंगे। इस प्रकार से, ठीक है ना? ओके, अब हम क्या करेंगे? एलिफेंट को कलर करेंगे। पहले हम कलर करेंगे एलिफेंट की सूंड को, लेकिन उसके दांतों को छोड़कर, क्योंकि एलिफेंट के दांत जो होते हैं वो वाइट होते हैं, ना कि ब्राउन। तो चलिए पहले हम आउटलाइन दे देते हैं इसको इस प्रकार से, और इसको हम कलर कर देते हैं। देखिए बिल्कुल सेम कलर है, आप अपनी बुक में ऊपर इमेजेस में देख सकते हैं। इसकी आइज को छोड़ते हुए कलर कीजिएगा और इसके दांतों को भी छोड़ दीजिएगा इस प्रकार से। ये देखिए ट्रंक हमारी कलर हो चुकी है। अब हम इसकी रेस्ट ऑफ द बॉडी को कलर कर देंगे। आप चाहें तो बीच का एरिया, जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, आप छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसको पूरा ही फिल कर सकते हैं, क्योंकि कलर ऐसा ही है, बीच बीच में से हमको लगता है कि ये छूटा हुआ है। तो चलिए मैं भी कंप्लीट फिल करती हूँ और आप लोग भी फिल करिए। ये देखिए हमारा एलिफेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है कलरिंग के साथ। अब हम करते हैं हाउस को कलर। हाउस का जो वॉल है उसको हम पिंक कलर करेंगे, और जो छोटा सा गेट आपको दिखाई दे रहा है वो हमको करना है ब्लू कलर से। तो पहले हम हाउस के वॉल्स को कलर कर लेते हैं, उसके बाद हम उसके गेट को कलर करेंगे। ये लीजिए हाउस की वॉल्स कलर हो गई। अब हम करते हैं वॉल्स को कलर विद, सॉरी डोर को कलर विद ब्लू कलर। देखिए डोर भी हमने कलर कर दिया।
थोड़ा लाइट चलता है दिखाने के लिए, डार्क करना पड़ेगा। पिंक कलर को थोड़ा सा और डार्क कर देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे माउस को कलर, और माउस हमारा है ऑरेंज कलर का, तो मैंने ऑरेंज कलर ले लिया और अब मैं माउस को कलर करूँगी। इस तरीके से माउस में हम कलर कर देते हैं ऑरेंज कलर। कोशिश कीजिएगा कि आपका कलर बाहर ना निकले, और इसकी आइज को छोड़ते हुए आपको कलर करना है। इस प्रकार से उसके हैंड्स को भी कर दीजिए और उसकी टेल को भी कर दीजिए। ये लीजिए, ये माउस हो गया हमारा कलर। इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा सा। ये लीजिए, डन। ओके, नाउ व्हाट इज लेफ्ट। अब बचा है हमारा नीचे का मैदान और ऊपर का आसमान, मैदान और आसमान। तो चलिए हम इसको भी फिल कर लेते हैं। इसको फिल करने के लिए जो ये लाइन आपको दिखाई दे रही है, इसके नीचे का पोर्शन हमारा है मैदान और ऊपर का पोर्शन है हमारा आसमान। तो चलिए पहले हम मैदान को फिल करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वन साइड। इसको हम कलर करेंगे, बहुत लाइट कलर देंगे, क्योंकि मैदान हमें लगता है मिट्टी को दिखाया गया है यहाँ पर, तो इसको बहुत ही लाइट शेड देंगे। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, इतना लाइट शेड दिया है, ऊपर भी ऐसा ही है। तो चलिए मैं भी फिल करती हूँ और आप लोग भी फिल करिए। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये तो मैंने अच्छे से कलर किया है विद क्रेयॉन्स, लेकिन जो नीचे वाला एरिया है उसके लिए क्रेयॉन्स को मैंने हल्का सा लिटाल लिया है और फिर उसको ऐसे कलर किया है। तो ये इवनली और अनइवनली दोनों ही तरीके से कलर हो गया, क्योंकि ऊपर जो पिक्चर्स इमेज में बनाई गई है उसमें नीचे वाले में हल्का हल्का येलो कलर किया गया है। तो इसी प्रकार से मैंने कर दिया। अब हम करेंगे स्काई को कलर। किसको करेंगे, स्काई को करेंगे, लेकिन स्काई को हम फुल पेज में कलर नहीं करेंगे। हम थोड़े से पेज में ही, जहाँ तक हमको एलिफेंट दिखाई दे रहा है बस वहीं तक स्काई कलर करेंगे, वरना बहुत ही ज़्यादा गंदा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कलर करना। ऐसे हम कलर करेंगे स्काई को, और जो रिमेनिंग हमारी पिक्चर है जहाँ तक मैंने लाइन खींची है वहाँ पर हम पूरा कर लेंगे। तो चलिए मैं भी करती हूँ और आप लोग भी करिए। ये देखिए, इसी के साथ हमारा स्काई भी कलर हो गया और हमारी पिक्चर हो गई कंप्लीट। तो आप लोग भी अपनी ड्राइंग बुक्स में इस पिक्चर को कलर करिए और इंजॉय करिए अपनी ड्राइंग को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय।